वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए, वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह बरेली सेंट्रल जेल से बुधवार सुबह 8:15 पर रिहा कर दिए गए। धनंजय सिंह के रिहा होते ही उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। धनंजय सिंह जैसे ही सेंट्रल जेल के गेट से बाहर निकले तो अपने समर्थकों को देख काफी खुश नजर आए। धनंजय सिंह ने इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत भी की। गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह के आरोपों पर उन्होंने जवाब भी दिया। कहा कि सच क्या है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बस वक्त आने दो। फिलहाल राजनीति की बात करेंगे, आपराधिक विषयों की नहीं। चुनाव की उम्मीद है आपको? क्या निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद है आपको? वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए, वो समय बताएगा, अभी जाने दीजिए। वहीं जेल से रिहा होते ही उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान भी किया। पत्नी श्रीकला रेड्डी को चुनाव की शुभकामनाएं देते हुए धनंजय ने जीत का पक्का इरादा जता दिया है। इसके साथ ही उनसे जब अपने विरोधी कहे जाने वाले अभय सिंह को लेकर सवाल हुआ तो वो भड़के हुए नजर आए। अपने विरोधी अभय सिंह के बारे में सवाल पूछे जाने पर धनंजय ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा कि आप लोग अपराधियों के बारे में बात मत करिए। क्या चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे क्या? बरेली जेल से निकलकर धनंजय सिंह अपने समर्थकों के काफिले के साथ जौनपुर के लिए रवाना हो गए। वहां उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मंगलवार को नामांकन कर रही हैं। अभय सिंह ने जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन बताया था। उन्होंने कहा था कि आज की तारीख में धनंजय सिंह उत्तर भारत का सबसे बड़ा डॉन है, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, उससे बड़ा डॉन कोई नहीं है। उसको किसी से खतरा नहीं है, लोगों को उससे खतरा है। उसके खिलाफ तो कोर्ट ने टिप्पणी किया है, हाई कोर्ट ने उसका ऑर्डर कॉपी कही है, मैं आपको दिला दूंगा। 2018 में कोर्ट ने कहा कि ऐसे आदमी को जेल से बाहर रहने का कोई वो नहीं है, इसकी स्टेट गवर्नमेंट इसकी बेल कैंसिल कराए, इसको जेल भेजे। और हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के बाद धनंजय सिंह के ऊपर एक के बाद देख करके 4-5 मुकदमे दर्ज हुए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह के आरोपों के बाद अभय सिंह और धनंजय सिंह की दुश्मनी की चर्चाएं फिर से होने लगी हैं। लेकिन एक दौर हुआ करता था जब ये दोनों बाहुबली एक दूसरे के दोस्त थे। अभय और धनंजय की दुश्मनी की कहानी किसी बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट सरीखी है, जहां दोनों एक वक्त जिगरी यार थे, साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे। लेकिन एक हमले ने दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया था। वहीं धनंजय सिंह को जौनपुर MPMLA कोर्ट ने सजा होने के बाद BSP के टिकट पर उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी चुनावी मैदान में है। BJP ने जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को मैदान में उतारा है, तो वहीं सपा गठबंधन से बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीदवार हैं। अब धनंजय सिंह के जेल से बाहर आने के बाद जौनपुर में लड़ाई त्रिकोणीय होती दिख रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।